C++ प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन C++ को स्टार्ट किया हुआ था जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर आपने मेरी एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आप चेकआउट कर सकते हैं असलम फ्रेंड्स वेलकम टू तो टेक्निकल अमार इसका प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थ्री बाय थ्री का एक मैट्रिक्स जिसे पहचान के लिए मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है ए सो so, यहाँ पे हमारे पास थ्री रोज हैं एंड थ्री कॉलम्स हैं ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसका इंडेक्स क्या होगा ज़ीरो होगा क्योंकि एरे के इंडेक्सेज से जीरो से स्टार्ट होते हैं सेकेंड रो के लिए वन थर्ड रो के लिए टू इसी तरह कॉलम्स के लिए हमारे इंडेक्सेज होंगे ज़ीरो वन एंड टू अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इंडेक्सेस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टू को एक्सेस करना है तो यहाँ पे रो नंबर कौन सा है वन और कॉलम नंबर ज़ीरो तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफ वन ज़ीरो तो ये वाला एलिमेंट हमें मिल जाएगा अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर दें या फिर कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दें तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो है फाइव थ्री वन सो यहाँ पे ये यह कॉलम बन जाएगा फाइव थ्री वन इसी तरह सेकेंड रो क्या है टू सेवन सिक्स ये हमारे पास सेकेंड कॉलम बन जाएगा इसी तरह थर्ड रो ज़ीरो फोर एंड टू ये हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगा तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बट फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करते हैं यूजर से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ले लेते हैं यूजर अपनी मर्जी के एलिमेंट्स इंटर करेगा उसके बाद हम इसकी लॉजिक देखेंगे कि हम इसका ट्रांसपोज किस इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ ए के नाम से जो कि होगा थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स हम बना लेते हैं टी के नाम से जिसके अंदर हम ट्रांसपोज रखेंगे ये भी थ्री बाय थ्री का एक मैट्रिक्स होगा उसके बाद हम क्या करते हैं यूजर से एलिमेंट्स लेते हैं सो so, मैं क्या करता हूं यहां पे यूजर को एक मैसेज शो कराता हूं इंटर नाइन एलिमेंट्स सॉरी मैट्रिक्स सो so, यूजर क्या करेगा यहां पे नाइन एलिमेंट्स इंटर करेगा तो उसे हम रखा लेंगे ए वाले मैट्रिक्स के अंदर उसके बाद हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज लेके इस मैट्रिक्स के अंदर रखा देंगे सो so, यहाँ पे यूजर से एलिमेंट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे सो so, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेस्टेड लूप के लिए दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ आई एंड जे के नाम से आई को हम यूज़ करेंगे रोज़ के अंदर और जे को हम यूज़ करेंगे कॉलम के लिए तो यहाँ पे आउटर लूप को मैं स्टार्ट करता हूँ जो कि होगा रोज़ के लिए आई की वैल्यू को मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से क्योंकि एर ए के इंडेक्सेस ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं आई लेस आर इक्वल टू टू क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ होंगी थ्री रोज होंगी ओके हो गया सो so, यहां पे आई प्लस प्लस उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसकी बॉडी बना लेता हूं इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे इनर लूप का यूज करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए सो so, जे की वैल्यू को मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से जे लेस आर इक्वल टू टू क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं थ्री कॉलम्स हैं जीरो वन एंड टू और जे प्लस प्लस और हम क्या करते हैं इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे सी एन की मदद से यूजर से वैल्यूज लेंगे और उन्हें रखाएंगे ए वाले मैट्रिक्स के अंदर सो so, यहाँ पे ए ऑफ आई जे अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूँ तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी जीरो जीरो लेस आर इक्वल टू टू कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम इस लूप के अंदर आएंगे ये इनर लूप चलेगा जे की वैल्यू जीरो जीरो लेस आर इक्वल टू टू कंडीशन ट्रू हो जाएगी सो so, यहाँ पे ए ऑफ आई जे आई की वैल्यू भी जीरो है और जे की वैल्यू भी जीरो है तो यहाँ पे ए ऑफ़ जीरो जीरो के अंदर वैल्यू आ जाएगी उसके बाद क्या होगा इनर लूप दोबारा चलेगा जे की वैल्यू इंक्रीज होकर वन हो जाएगी वन लेस आर इक्वल टू टू कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा ए ऑफ़ जीरो वन यहाँ पे आई की वैल्यू सेम है जीरो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पे सेकेंड कॉलम ए ऑफ जीरो वन उसके अंदर भी वैल्यू आ जाएगी उसके बाद क्या होगा जे की वैल्यू इंक्रीज होकर टू हो जाएगी टू लेस आर इक्वल टू टू कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ए ऑफ़ जीरो टू यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अंदर वैल्यू आ जाएगी उसके बाद क्या होगा जे की वैल्यू इंक्रीज होकर जैसे ही थ्री होगी थ्री लेस आर इक्वल टू टू कंडीशन फॉल्स होगी और हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे इस तरह एक रो के अंदर वैल्यू आ जाएगी यानी कि थ्री वैल्यूज आ जाएंगी उसके बाद क्या होगा आई की वैल्यू इनक्रीज होके वन होगी यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट होगी तो सेकेंड रो के लिए भी हमने क्या करना है यहाँ पे हमारे पास थ्री कॉलम्स होंगे तो हम थ्री वैल्यूज ले, ले लेंगे यूजर से इसी तरह क्या होगा कि नाइन एलिमेंट्स हम ले लेंगे यूजर से उसके बाद मैं क्या करता हूं कि इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं और यहां पे हम लिखते हैं मैट्रिक्स सॉरी एलिमेंट्स आर और यहां पे मैं क्या करता हूं लाइन को एंड कर देता हूं और यहाँ पे हम क्या करेंगे सी एन की बजाय लिखेंगे सी आउट क्योंकि अब हम क्या चाहते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं सो so, यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा जैसे ही आई की वैल्यू ज़ीरो और जे की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा उसके बाद मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ सो सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो जे की वैल्यू वन होगी तो एफ ज़ीरो वन प्रिंट होगा उसके बाद क्या होगा थोड़ी सी स्पेस आएगी फिर यानी कि थर्ड एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट होगा उसके बाद क्या होगा ये लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक रो कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे यहां पे लाइन को एंड कर देंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए सो so, अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें छोर है इंटर नाइन एलिमेंट्स पा रहे मैट्रिक्स सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूं सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हमने इंटर किए थे वो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें शो हो रहे हैं अब हम देख लेते हैं कि हम इन एलिमेंट्स का यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है या तो रोज को कॉलम्स में तब्दील कर देना है या फिर कॉलम्स को रोज में तब्दील कर देना है हमारे पास आंसर सेम ही आएगा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रोज को कॉलम्स में शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर जो एलिमेंट है फाइव इसे हम फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पे रखेंगे और ये वाला जो एलिमेंट है इसे यहाँ पे रखेंगे और वन को यहाँ पे तो ये वाली जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी तो हम क्या करेंगे इनकी पोजीशंस को यूज करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइव है इसकी पोजीशन क्या है ए ऑफ ज़ीरो ज़ीरो तो मैं क्या करूँगा ए ऑफ़ ज़ीरो ज़ीरो को रखा दूँगा टी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के अंदर उसके बाद ये जो हमारे पास थ्री है इसकी पोजीशन क्या है ज़ीरो वन इसे हमने यहाँ पे रखाना है ठीक है यहाँ पे. तो इसका मतलब ये हुआ ये वाली कौन सी पोजीशन है A वन ज़ीरो तो हम क्या करेंगे A ज़ीरो वन को रखा देंगे A वन ज़ीरो पे. ए ऑफ़ ज़ीरो वन को हम रखाएंगे ट्रांसपोज के तौर पे ए टी ऑफ वन ज़ीरो के अंदर इसी तरह ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसकी पोजीशन है एफ ज़ीरो टू इसे हम यहाँ पे रखना चाहते हैं यानी कि टू ज़ीरो पे सो so, हम क्या करेंगे यहाँ पर एफ ज़ीरो टू पे जो एलिमेंट है ये वाला इसे हमने रखाना है यहाँ पे एफ टू ज़ीरो पे तो हम क्या करेंगे ए ऑफ़ ज़ीरो टू वाले को रखा देंगे टी ऑफ टू ज़ीरो पे तो यहाँ पे क्या होगा रो जो थी हमारी वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी सो इसी तरह आगे भी हम क्या करेंगे हर रो को कालम में कन्वर्ट करेंगे एक चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखें कि ये जो हमारे पास होता है फ़र्स्ट वाला ये रो नंबर होता है और ये वाला कॉलम नंबर होता है तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट रो है रो नंबर क्या है ज़ीरो 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 और कॉलम नंबर कौन सा है ज़ीरो वन टू तो इसे हमने क्या करना है शफल करना है ये जो हमारे पास रो नंबर है ठीक है इस जगह पे हमने क्या करना है कॉलम नंबर लिख देना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास रो नंबर था वहाँ पे अगर हम कॉलम नंबर को लिख दें और कॉलम वाले पे हम रो नंबर को लिख दें तो क्या होगा यहाँ पे ये जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में शिफ्ट हो जाएंगी सो आप क्या करें वीडियो को फटाफट से लाइक करें और हम चलते हैं डेफ सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली सो so, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेस्टेड लूप को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑफ आई जे को रखाएंगे टी ऑफ सो so, आप यहाँ पे देखें कि हमने दरअसल क्या करना है ये जो हमारे पास रो नंबर है इसे हमने कालम में शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आई था ना इसे हमने जे के अंदर रखाना है और ये जो हमारे पास जे है इसे हमने रखा देना है आई के अंदर बस हमारा काम हो गया हमने सिंपली क्या करना था यहाँ पे ये जो हमारे पास आपने वहां पे देखा था कि हमारे पास जीरो 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 आ रहा था फर्स्ट रो के लिए ठीक है बट अगर आप ट्रांसपोज वाले को देखो तो वहाँ पे क्या हो रहा था जीरो वन टू कालम नंबर आ रहा था तो हमने क्या करना है यहाँ पे रो नंबर को कालम में और ये जो कालम नंबर है यहाँ पे रो को रखाना है सिंपली क्या होगा यहाँ पे जो हमारे पास रोज़ वाले एलिमेंट होंगे वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे तो इस तरह क्या होगा पूरा ट्रांसपोज का हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा सो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और नेस्टेड लूप के बाद जहां पे हमने शफलिंग की थी इसके बाद यहां पे पेस्ट कर देता हूं और यहां पे हम लिख देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सो अब अगर यहां पे हमने क्या करना है सॉरी ए की बजाय टी को प्रिंट करवाना है सो so, अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं सो so, हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर नाइन एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स सो मैं क्या करता हूं यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूं सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन अगर इसी को आप देखें वन टू थ्री तो ट्रांसपोज में क्या हो रहा है यही हमारे पास कॉलम बन रहा है वन टू थ्री और यहाँ पे सेकंड रो को देखें फाइव सेवन नाइन और यहाँ पे वही हमारे पास कालम बन रहा है फाइव सेवन नाइन इसी तरह एट थ्री टू और कालम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एट थ्री टू सो आपने वहाँ पे देखा होगा कि एक मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे दो तीन लाइन का गैप था उसके बाद हमें शो हो रहा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स दरअसल हमने जहाँ पे ये शफलिंग की थी वहाँ पे हमें लाइन को एंड करने की ज़रूरत नहीं थी अगर आप इसे हटा देंगे तो एक मैट्रिक्स के बाद ही आपको शो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सो एरे से रिलेटेड और भी बहुत से एग्ज़म्पल प्रोग्राम्स आने वाले हैं सो so, आप क्या करें मेरी एरे एग्जाम्पल्स इन सी प्लस प्लस वाली प्ले लिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी सी प्लस प्लस एग्ज़म्पल प्रोग्राम वाली प्ले लिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस प्ले के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू